क्या ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य सेवा के वादे सारे झूठे हैं? अगर नहीं तो आरजीएच की ऐसी अवस्था आखिर क्यों? क्यों मरीजों को बेड की सुविधा नहीं मिल पा रही है? क्यों मरीजों को दूसरी और जरूरी सुविधाएं देने में असफल होती दिख रही है आरजीएच प्रशासन? हाल ही में सेव ओडिशा ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सदस्य लोगों की लगातार आती शिकायतों का सच जानने के लिए आरजीएच गए। करवाने आए हैं, तीन दिन से घूम के जा रहे हैं। जैसे कल यहाँ पहुँचे लाइट बुता दिया, बोला कि नंबर चल गया। कल भी पहुँचे तो बोला लाइट बुता के नंबर चल गया। आज पहुँचे तो देखिए आज भी कर रहे हैं। कितना दिन हो गया ऐसा घूम के आपको? तीन दिन से घूम रहे। चेस्ट दर्द कर रहा था, एक्सरा के लिए भेजा तो कल भी आए तो बोला क्या कि आज नहीं होगा कल आइएगा। अच्छा। अभी तक सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। कोई भी पेशेंट आ रहा है उसको पहले बेड नहीं मिल रहा, ठीक है ना? पहले नीचे दे दे रहे, कोई पेशेंट को बीमारी है कुछ है, उन लोगों को कुछ मतलब टेंशन लेना है नहीं। और लोगों कोई भी आ रहा है बस एक इंजेक्शन में सिरिंज लगा दे रहे, चल जा रहे। डॉक्टर आएगा तो देखेगा, डॉक्टर कब आएगा और कब देखेगा? जब पेशेंट को कुछ हो जाएगा तब देखेगा। दो दिन के बाद बेड मिला, मतलब एक दिन एक रात रहने के बाद दूसरा दिन बेड मिला। एक बेड खाली होगा तो एक पेशेंट चढ़ेगा, बाकी पेशेंट कहाँ जाएगा? बाथरूम में इतना गंदगी है, जाने से उल्टी हो जाएगा। अपने तो एसी में रह रहे, कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रहा, बाकी पेशेंट सबको तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। इतना बड़ा रूम है, सिर्फ चार फैन का अलावा बाकी कुछ नहीं। यहाँ फैन नहीं, वहाँ फैन नहीं, उधर गर्मी में, इधर बदबू में, यहाँ बाथरूम इतना गंदगी है, कोई यहाँ तक उतरा, कोई यहाँ तक उतरा। नीचे बेड दे रहे, डॉक्टर अभी तक डॉक्टर आते हैं 10:30 बजे। आरजीएच के इस मिसमैनेजमेंट को लेकर सेव ओडिशा ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट नवीन गुप्ता ने अपने बयान में क्या कहा, ये सुनिए। बहुत सारे पेशेंट का कंप्लेन आ रहा था आरजीएच हॉस्पिटल के बारे में कि यहाँ पर डॉक्टर्स का बहुत कमी हो रहा है, यहाँ पर इलाज ठीक से नहीं हो रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, यहाँ गंदगी सफाई नहीं होता है ठीक से। सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो है एक्सरे मशीन का, जिसमें कि सिर्फ एक एक्सरे मशीन है जिसमें कि लंबा लाइन जो है यहाँ पर लगा हुआ रहता है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर पता चला है वो है बेड का प्रॉब्लम। ये हम एक साल पहले भी आकर के यहाँ पर हम लोग चेक किए थे तो पता चला था बेड का प्रॉब्लम है, जो कि आज तक यहाँ पर बेड का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर जो बताया गया है वो है कि यहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पेशेंट को ऐसी आते हैं पेशेंट यहाँ पर उसी तरीके से उसको नीचे छोड़ दिया जाता है और कोई इलाज सही से हो नहीं पा रहा है। पेशेंट आते हैं और यहाँ पर बिना इलाज किए, बिना इलाज हुए वापस चले जाते हैं या फिर उसको डायरेक्टली रेफर कर दिया जाता है बुरला में या फिर किसी और हॉस्पिटल में। यहाँ पर इतना सारा फंड है आरजीएच में, लेकिन ये फंड को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, जो यहाँ पर जो जितना भी बेसिक प्रॉब्लम्स है यहाँ पर आरजीएच में। हैरानी की बात यह है कि आरजीएच की स्वास्थ्य सेवा चरमरा रही है और सरकार भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। राउरकेला से TRTN ब्यूरो।